नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे योग पट्टी ब्लाउज यानी बेल्टदार ब्लाउज, जिसका मेजरमेंट हमारा इस प्रकार है। नाप है 30 इंच, लंबाई है 13 इंच, चेस्ट है 30 इंच, कमर है 26 इंच, आर्म होल 6 इंच, आगे गला 6 इंच। चलिए हम इसका नाप लेते हैं। यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, आर्म होल हमारा 6 इंच है, गला हम लेंगे 2 इंच, आर्म होल का नाप और गले का नाप सेम रहता है। हमने चेस्ट है 30 लिया है, 30 का एक चौथाई भाग 7.5 इंच, 7.5 इंच में हम 2 प्लस करेंगे, 7.5 इंच है हमारा, यहाँ पे 2 इंच हम प्लस करेंगे यहाँ पे सिलाई के लिए। लंबाई है हमारा 13 इंच, हमें 1 इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई के लिए, 14 इंच लेंगे। कमर हमारा 26 इंच है, 26 का एक चौथाई भाग 6.5 इंच, 6.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान देंगे, 2 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई के लिए। ये हमारा आर्म होल है, आर्म हमने 6 इंच लिया है, यहाँ से हम 1.5 इंच पे शेप देंगे, यानी यहाँ से राउंड शेप। गले हमने 6 इंच लिए हैं, यहाँ पे 1/2 इंच का हम शेप देंगे ऐसा। शोल्डर पे हम 1/2 इंच का शेप देंगे, जो हमारा शोल्डर गिरता है वो गिरेगा नहीं, फिटिंग बैठेगा। 7.5 और 6.5, ये हमारा ब्लाउज का फिटिंग नाप है, ये हमारा सिलाई के लिए। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, योग पट्टी ब्लाउज है, यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। योग की तरफ से हम यहाँ से हम 2 इंच पे यहाँ से सीधा लाइन लेंगे। यहाँ हमने 2.5 इंच लिए, यहाँ पे 2, और यहाँ से हम 4 इंच पे, ये हमारा 4 इंच है ऐसा, इसको हम 1/2 इंच का शेप देंगे ऐसा इस तरफ। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे ऊपर, यहाँ से 3 इंच लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच लेंगे हम ऊपर की तरफ, यहाँ से हम 1.5 इंच का एक चिन्ह देंगे, ये हमारा टक्स हो गया। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे इस तरह, यहाँ से 2, इसको हमको तिरछे में ऐसे क्रॉस में यहाँ से हमको 1.5 इंच लेना है। ये हमारा योग ब्लाउज है। चलिए हम इसका कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ से गले का कटिंग करेंगे, ये हमारा शोल्डर है, ये हम आर्म होल का कटिंग कर रहे हैं।
ये हमारा पट्टी क्रॉस पट्टी जो है कट के निकल जाएगा। अभी हम इसको आपको दूसरा ये पट्टी बताएंगे। ये हमारा पट्टी है, हमने यहाँ पे ढाई लिया था, अभी हमको 3.5 लेना है, 1.5 लेना है। अब आपको बताते हैं हमारा कमर 26 इंच था, 26 में हमने 2+ किया था, 6.5 में 7.5 8.5 का, तो हमारा योग पट्टी भी 8.5 का ही कटेगा। यहाँ पे हमने 8.5 पे निशान लगा लिए, यहाँ से हमने 3 इंच लिए, यहाँ से 3 इसको सीधा खींच लेंगे ऐसा। अब हमको यहाँ पे आधा 1 इंच बढ़ाना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 इंच, यहाँ से 4 इंच इसको हमको इसमें मिलाना है, ऐसा शेप देना है। ये हमारा योक हो गया। ये हमारा योक हो गया ऐसे। अब हम आपको बाई बताएंगे। चेस्ट हमारा 30 था, 30 का 1/4 भाग 7.5 था, 7.5 में हम 8.5 इंच लेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। यहाँ से हमने 5 लिया है, तुम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से 1 इंच, इसको हमको बाहीं को शेप देते हुए इस तरह ऐसे आ जाना है। ये हमारा योग का बाहीं हो गया। तो दोस्तों आज हमने योग पट्टी ब्लाउज सीखा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। समझिए, सीखिए, सफल बनिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।